चैनल एंड आज है मंडे 4 अप्रैल। सो आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो आज मैं फिर से एक व्लॉग बना रही हूँ। तो इस वीडियो का अंत तक देखना, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मेरी वीडियो को एंड शेयर करना मेरी वीडियो को। तो आज जो भी मतलब जैसे नॉर्मल डे तो आपने मेरा देखा भी है पहले व्लॉग्स में, पर अब जैसे ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो स्कूल का टाइमिंग भी बढ़ेगा, तो मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा दिन मेरा आज का। सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड मैं वॉशरूम वगैरह होकर आ गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया पानी पी लिया एंड अभी बस नहा धो के रेडी होने मैं उठ के 5:30 गई थी। पर मतलब होता है ना फर्स्ट डे के लिए, पर उसके बाद फिर से स्कूल जाना पड़ रहा है, ऐसे हो जाता है। तो गाइस अभी हम फटाफट से हो जाते हैं रेडी एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फ्रेंड्स को फिर से मिलने के लिए। सो फटाफट से रेडी हो जाते हैं एंड हमें हमारा स्कूल होता है 8 o'clock से स्टार्ट, जो सर्दी हो या गर्मी, ठीक है। तो हम फटाफट से रेडी होते हैं एंड 7:30 हमें यहाँ से घर से मतलब निकलना है एंड चलिए चलते। तो गाइस यहाँ पे हमारा बन रहा है नाश्ता, आज बनेगा नाश्ते में सैंडविच एंड हम सैंडविच लेकर जाएंगे, आलू और खीरे का सैंडविच। तो मम्मी बना रही है इसको, इतने हम नहा लेते हैं और फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी एंड आज है मेरा स्पोर्ट्स का मतलब वहाँ पे स्कूल में हमें पीटी कराएंगे, तो इसलिए मुझे अपनी स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म पहन कर जानी थी। और अभी 7:30 हो गया एंड अभी हमें जाना है स्कूल, तो चलते हैं एंड मम्मी फिर हमें लेने आएगी स्कूल में। तो गाइस अभी हम आ गए घर एंड घर आकर हमने कर लिया है अपना ब्रेक लंच एंड लंच में हमने खाया था आलू की सब्जी, साथ में पूड़ी, साथ में हलवा, साथ में खीर, साथ में जूस और साथ में बस। सो हमने इतना सारा खाया था क्योंकि आज है गंगोर, शायद गंगोरी, हाँ नहीं गंगोरी नहीं गंगोर, ठीक है। सो ये जो भी बना था हमने खाया है। तो उसके बाद स्कूल का फर्स्ट डे बहुत अच्छा था एंड हम फ्रेंड्स को मिले एंड मेरी क्लास में ना एक बच्ची है बहुत लंबी है, अच्छा। तो मैम ना कुछ भी जैसे बुक्स वुक्स ऊपर रखने के लिए मैम उसी को बुला लेती थी बार बार। तो अभी हमारे ट्यूशन है 5:30, 5 o'clock हो रहे हैं एंड अभी हम कर रहे हैं ट्यूशन का होमवर्क, हमने रेस्ट वेस्ट कर लिया है एंड कुछ हमें मिले थे सर्कुलर वगैरह जो हमने मम्मी को दिखा दिए हैं। सो अभी मैम आने वाली है घर पे क्योंकि आज जो हमारे साथ एक और पढ़ती है तो वो अभी मतलब उसकी बुक्स नहीं आई तो इसलिए वो अभी पढ़ नहीं रही है फिलहाल, तो इसलिए मैम हमारे घर पर आ रही है हमें पढ़ाने। 5:30 तक आ जाएगी तो फटाफट से अभी हम होमवर्क कर लेते हैं, रेस्ट वेस्ट कर लिया अभी हमने, ठीक है। सो अभी हम होमवर्क करने के बाद ट्यूशन आएगी और उसके बाद हम मिलते हैं 5:30 से 6:30 तक आएगी ट्यूशन, उसके बाद वील मीट। तो गाइस अभी मैम जा चुके हैं, हमारा हो गया रेस्ट मोड ऑन, यहाँ पे हमने अपनी चादर ले ली, वहाँ पे चल रहा है एसीसी अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एंड बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। मम्मी ने अभी लंच बॉक्स भी नहीं निकाला तो फटाफट से एक बार मैं बैग से लंच बॉक्स निकाल देती हूँ, ठीक है, और मम्मी को दे देती हूँ क्योंकि जो हमारी दीदी मतलब जो दीदी है हमारे घर पर काम करती है तो वो भी दे रही है बर्तन, तो वो धो देगी हमारा लंच बॉक्स ताकि हम वो कल ले जा सके एंड इसलिए हम मतलब मैं निकाल दी अपना लंच बॉक्स, ठीक है। स्कूल से आने के बाद मैंने निकाला नहीं था, कोई नहीं अभी निकाल देते हैं एंड बहुत मतलब ट्यूशन में मैम ने कुछ ज़्यादा आज कुछ पढ़ाया नहीं, पर अभी हम फिर भी थक गए हैं एंड अभी सोएंगे नहीं क्योंकि फिर रात को हमें नींद नहीं आई अगर हम सो गए अभी, क्योंकि रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल फिर से स्कूल है। तो मैं एक बार लंच बॉक्स निकाल देती हूँ एंड गाइस इसे फटाफट से निकाल लेते हैं लंच बॉक्स को एंड मैं देख के आ जाऊँगी फिर। गाइस इस बार जो मेरी आगे की जिप है ना इसमें इतना भी स्पेस नहीं है कि मेरा ये लंच बॉक्स आ जाए इसमें,
इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं रखती हूँ, खाली रहता है, बस इसमें सैनिटाइजर रख लेती हूँ मैं। एंड जीरा मेरा रेड बॉक्स और मैं इसे अभी दे के आ जाती हूँ ताकि दीदी से धो दे। चल गाइस, अभी मैं लंच बॉक्स भी दे के आ गई हूँ दीदी को, दीदी ने वो धो भी दिया है। एंड अभी बच गए है हम 7:38 होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने शाम को तो दूध ही पिया था ट्यूशन के बाद, ठीक है। तो अभी हम डिनर कर लेंगे 9:15 तक कर लेंगे डिनर। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि पूरा डे ख़त्म ही हो गया, डिनर होएगा बस। डिनर में आज मम्मी ने बनाया है अरहर की दाल, जो मेरी फेवरेट दाल है, एंड साथ में चावल। तो अभी मेरा टाइम पता मेरा आजकल ना क्या होता है, अलार्म किसी भी टाइम बज जाता है पता है। कल मैंने रात को 5:50 का अलार्म लगा के सोई थी ताकि सुबह टाइम से आँख खुल जाए, ठीक है। तो एंड मैंने 6:07 में ना क्या आया टाइम हो रहा है अभी 5:04 अभी अलार्म लगा दिया गलती से, तो अभी वो अलार्म बज रहा है, सो मैंने उसे ऑफ कर दिया है। तो अभी बस काफ़ी है आज के लिए। एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये दिन कैसा लगा। एंड मेरी जर्मन की ट्यूशन सैटरडे को होती है, तो आज वो भी नहीं थी, तो थोड़ा सही था, आज बैलेंस थोड़ा डे था। एंड मतलब मज़ा आया था जो भी था, ठीक है। सो लाइक करना मेरी वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पर नए हो तो। एंड गाइस आई होप हमारे बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए, पता है मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से हमारे एक ही जगह सब्सक्राइबर्स अटके हुए हैं, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे पता नहीं क्यों, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करो चैनल। आधे लोग तो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।